हम यहाँ पे जमा हुए हैं नो दिवाली विदाउट कश्मीरीज। इमेजिन कल दिवाली है और मॉर्निंग 7 बजे आपको इर्द गिर्द जो है जीप्स आती हैं, आर्मी आपके घर के बाहर है, आपको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है और सुबह 7 बजे से ही, चूंकि वी हैव दिस रिचुअल, वी ऑफर ईद नमाज इमिजिएटली आफ्टर फजर प्रेयर्स। फजर प्रेयर्स के बाद ही 7 बजे ऐलान होने शुरू हो जाते हैं कि देयर इज रेस्ट्रिक्शन हैज बीन इम्पोज इन योर हाउस एंड प्लीज डोंट कम आउट ऑफ योर हाउस। सो ऐसी हमारी ईद शुरू हो गई और ईद शुरू होने के बाद ये हुआ, माई फादर ही ट्राइड टू गो, क्योंकि हमारा ये रिचुअल है ईद नमाज हम दरगाह में ऑफर करते हैं, एक साथ ऑफर करते हैं एज अ रिचुअल। तो माई फादर ट्राइड, मुझे लगता है इतना डिस्टेंस होता रोड्स के बीच में, हम यहाँ रहते हैं और मस्जिद यहाँ पे है, एंड माई फादर वॉज नॉट अलाउड टू क्रॉस इवन दिस मच डिस्टेंस। उधर से बंदा बोलता है डंडा दिखा के लाइक दिस, ओए अंदर जाता है कि दिखाओ, दिस इज द थिंग वी हैड टू गो थ्रू। सो आई थिंक enough of it, these incidents should be enough to tell you, to touch your hearts and to actually narrate how much normal Kashmir has been and to tell you how much hurt and how much we have been taken aback by this thing, the way this all has been carried away and the repercussions after that, and then these statements coming out from government that restriction Kashmir mein nahi hai, restriction aapke dimag mein hai. For God's sake, please at least have a sense to sympathize with us, have a sense to acknowledge, agar aapko ye karna nahi aata hai, aapko ye accept karna nahi aata hai ki aapne kaisa blunder kiya, aapne kaise democracy ka murder kiya, aapne kaise journalism ka murder kiya, at least have this courtesy so to accept on the humanitarian ground that you have for God's sake pushed us 70 years back, that you have for God's sake pushed us to this limit of depression. I had to run away from my home, I had to decide altogether new future for myself because मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी में परस्यू करना था यार, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मुझे दिल्ली आके बैठना है। किसी को भी अपने घर से बाहर आके रहना अच्छा नहीं लगता। आई एम अटैच्ड टू माय होम टाउन, आई वांटेड टू परस्यू माय करियर इन कश्मीर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर हैज बीन स्टैग्नेटेड पिछले 75 डेज से, नो कम्युनिकेशन। मुझे ये नहीं पता अगले मोहल्ले में क्या हो रहा है, मुझे ये नहीं पता मेरे फादर बाहर जा रहे हैं, जिनको दिल्ली कॉन्टैक्ट करना है कॉन्टैक्ट पुलिस स्टेशन से हो रहा था। सो दिस इज हाउ कश्मीर हैज बीन नॉर्मल। आई कॉल इट पर्सनली एबनॉर्मली नॉर्मल बिकॉज दे आर पोर्ट्रेइंग इट एंड दे हैव गॉट समथिंग टू डिफेंड देमसेल्व्स व्हाट दे डिड। एंड यस, नाउ मेनी पीपल हियर आस्क मी दैट तुम्हारे लिए तो चीजें आसान है, अभी तुम दिल्ली में रह के ये चीज बोल रही हो। नो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर मी दिस इज नॉट इजी, दिस इज एज पेनफुल एज इट इज फॉर देम हु आर राइट नाउ सिटिंग देयर इन कश्मीर, बिकॉज व्हेन आई हैड टू लीव दिल्ली लास्ट वीक आई गॉट टू टॉक टू माय ग्रैंडमदर आफ्टर 70 लॉन्ग डेज, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ टाइम, एंड I think I cannot even narrate how emotional it was. I mean, things were like that. Would I ever get to speak to her again? We are hurt. We are hurt and we have been taken aback and we feel like being punched on our faces and we feel like being betrayed to another level. And yes, let me tell you that we do acknowledge this thing, that government is a different thing and Indians are a different thing, and I thank you, I salute you people, you are here and you are actually acknowledging this thing and you are here. Wo ek acha lagta hai na ye cheez, jab pata chalta hai koi aapka dard baant raha hai, to ye cheez mere liye ek bahut badi baat hai. Bahut time se aisa ho raha tha ki I wanted to speak, I wanted to say कि क्या हुआ कश्मीर में, क्योंकि जब ये चीज हुई आई वॉज इन कश्मीर और फिर आफ्टर 20 डेज आई हैड टू टेक दिस डिसीजन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ओवर देयर दैट आई हैड टू शिफ्ट टू दिल्ली। सो मैं कुछ बिल्कुल बेसिक इंसिडेंट्स नरेट करना चाहती हूँ जो आई हैव बीन आई विटनेस टू, क्योंकि ऑलरेडी मैम ने भी बहुत कुछ यहाँ पे बोला, मैम ने बहुत भारी भरकम अल्फाज में आप लोगों को समझाया, मैं उस सब को टच नहीं करूँगी, मैं इसके इलीगल एस्पेक्ट्स को टच नहीं करूँगी, इसकी लीगैलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, मैं उन सब चीज़ों को टच नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिबेट आई थिंक। सो मैं बहुत ही एक मैन टू मैन कॉन्वर्जेशन ऑन ह्यूमैनिटी
humanitarian grounds मैं इस चीज को आपके सामने रखना चाहती हूँ. So I have these two to three incidents to narrate in front of you. So what happens one day I got to know that there is this man, he was returning from Sodhi and उसका एक दिन दिल्ली में stay था and death is uncertain and he died. Fine. कम्युनिकेशन ब्लॉकेड, उसके घर वालों को दो दिन तक पता नहीं चलता है. और दो दिन बाद कैसे पता चलता है? एक आदमी जो होटल रूम में आता है, पता चलता है मैन इज लाइंग ऑन फ्लोर, ही इज डेड. वो बॉम्बे जाता है, अपने रिलेटिव्स के थ्रू एक लेटर भेजता है जो कि दो दिन बाद उस आदमी के घर पहुंचती है और दो दिन बाद उसकी फैमिली को पता चलता है दैट पर्सन इज नो मोर विद अस. एक और चीज क्या होती है कि ये पता चला कि एक फीमेल जो है उसके रिलेटिव्स, उसका ब्रदर जो है वो दिल्ली में था. कम्युनिकेशन ब्लॉकेड अगेन, सो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाई. इसको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज शी हैड टू कन्वे टू हर ब्रदर. व्हाट शी डिड, व्हाट शी चोज टू डिड, द बेस्ट थिंग जो उसके दिमाग में आया, द बेस्ट आइडिया शी गॉट एट दैट टाइम, वो एयरपोर्ट गई एंड शी लिटरली हैड टू होल्ड दिस प्लैकार्ड, एनीबॉडी गोइंग टू दिल्ली आई हैव टू सेंड अ मैसेज. इमेजिन, इमेजिन, प्लीज ट्राई टू इमेजिन द प्लाइट वी हैड टू गो थ्रू. शी इज होल्डिंग दिस प्लैकार्ड और वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे वेट कर रही है कि कब कोई आके उसको बोले हाँ मैम आई एम गोइंग टू दिल्ली. शी हैज दिस लेटर इन हर हैंड, शी हैज मेंशन द एड्रेस ऑन दैट लेटर एंड शी इज प्लीडिंग टू दैट गाय, प्लीज डू मी दिस फेवर और ये जो लेटर है मेरे भाई तक पहुंचाइए. सो दीज आर द कंडीशंस वी हैड टू गो थ्रू. खैर अगर मैं इस चीज पे ज्यादा बोलने लगी तो आई विल बी इमोशनल. मैंने एक नज़म लिखी हुई है जब मैं कश्मीर में ही थी इन हालात को लेके. ये नज़म मैंने एक्चुअली पार्ट्स में लिखी हुई है. पार्ट्स ऐसे जाते हैं कि एक्चुअली फ्रॉम द बिगिनिंग जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, फिर उसके रिपरकशंस क्या रहे, फिर उसके बाद जब रिमूवल हुआ, फिर उसके रिपरकशंस क्या हुए. सो नज़म गोज लाइक दिस. हुआ लाचार था एक वतन ऐसे, हुआ लाचार सा एक वतन था तब, हो गया सौदा था उस चमन का जब. हुआ लाचार सा एक वतन था तब, हो गया सौदा था उस चमन का जब. कि चिंगारी लगी जन्नत में ऐसी, कि चिंगारी लगी जन्नत में ऐसी, रहा कश्मीर में फिर अमन था कब. ये तब हुआ जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ. रिपरकशंस लगा झीलों में बहने लहू कितना, लगा झीलों में बहने लहू कितना, दौरे मुश्किल सितम कहते रहूं कितना. तमन्ना थी सुबह आजादी हो मगर, तमन्ना थी सुबह आजादी हो मगर, रोजे कजा था रोज लिखते रहूं कितना. तमन्ना थी कि सुबह आजादी हो मगर, रोजे कजा था रोज लिखते रहूं कितना. एंड व्हेन द आर्टिकल गॉट रिमूव्ड, है तोड़ी अब ये कमर हाकिम ने ऐसे, है तोड़ी अब ये कमर हाकिम ने ऐसे, लगाया पीठ पर खंजर जालिम ने जैसे, लगाया पीठ पर खंजर जालिम ने ऐसे, जमी पैरों तले खींची है मेरी, जमी पैरों तले खींची है मेरी, इससे भी आवाज आस भी आवाज छीनी जामिन ने ऐसे, जमी पैरों तले खींची है मेरी, आस भी आवाज छीनी जामिन ने ऐसे. एंड देन रिपरकशंस पोस्ट रिमूवल, व्हाट दे कॉल नॉर्मलसी. ये शामे गरीबा सी कैसी जहमत है आई, ये शामे गरीबा सी कैसी जहमत है आई, कैद गुलो गुलशन क्या दहशत है छाई. झूठ से ओढ़ो ओढ़े रखा गया है सच, झूठ से ओढ़े रखा गया है सच, वरना मेरे शहर कयामत कब की है आई. एंड देन एज दे से, हर उरूज का जवाल होता है, हर जवाल का उरूज होता है. सो वी कश्मीरीज वी आर होपफुल, वी विल स्टैंड अगेन, सो हेयर इज टू आवर होप. मगर बहारें क्या दोबारा नहीं है आती, मगर बहारें क्या दोबारा नहीं है आती, क्या फिर जवानों में हिम्मत नहीं है आती. मगर बहारें क्या दोबारा नहीं है आती, क्या फिर जवानों में हिम्मत नहीं है आती.
रहा दस्तूर है सब उम्मीद से कायम, रहा दस्तूर है सब उम्मीद से कायम कि मेरी कौम की जुर्रत नहीं है मरती, कि मेरी कौम की जुर्रत नहीं है मरती। आई थैंक यू वंस अगेन।